मुंडावर उपखंड के गांव सुखमन हेडी में रविवार की दोपहर को बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें किसान की करीब 8 बीघा बाजरे की कटी कटाई फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें, सुखमन हेडी निवासी किसान रमेश चंद शर्मा के खेत में दोपहर करीब 3 बजे विद्युत लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट से बाजरे की फसल में आग लग गई, जिसमें धू धू कर बाजरे की फसल जलने लगी। सूचना पर करीब गांव के सैकड़ों लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ी मात्रा में फसल जलकर राख हो गई। करीब 1 घंटे बाद मौके पर दमकल गाड़ी पहुंची, तब तक करीब 4 से 5 बीघा की फसल जलकर राख हो गई थी। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से किसान को उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। हाँ जी पंडित जी, कैसे क्या हुआ, आपका पहले तो नाम बताओ। मैं रमेश चंद शर्मा, समस्तनाथ ग्राम ग्राम सुखनेडी का रहने वाला हूँ जी। मेरे खेत में के 11,000 लैंड सर्किट होने से 8.5 बीघा का बाजरा राख हो गया। मुझे गांव वाले ने जाके बताई कि तेरा बाग जल रहा है। मैंने गांव वाले करीब 200 आदमी वो गांव के ट्रैक्टर 10-5 से आके उन्होंने आग बुझाई है। दमकल मशीन भी खेतों से आई है, पुलिस भी आई है। उन्होंने लेट आने से थोड़ा 1 घंटा, कितना लेट आई है, 1 घंटा लेट होगी दमकल के। 1 घंटा लेट होने से आपके जो सारा नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत भयंकर नुकसान। और बिजली शॉर्ट सर्किट होने से हुआ है, बिजली 11,000 शॉर्ट सर्किट हुई है।